राठौर, मैं हूं शरद बागेला। ये सीधे चलते हैं भोपाल के मिंटो हॉल, जहां पर संत समागम का आयोजन किया जा रहा है और यहां पर बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए हैं। नेतृत्व धर्म सेवा कर रहे हैं, उनको भी ढेर सारा आशीर्वाद के रूप में जी तालियां बजा करके हम आगे बढ़े। धर्मस्थ के प्रमुख सचिव हेलो बाली बाबा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे इस पूरे संघर्ष के पुरोधा माननीय कंप्यूटर बाबा जी का स्वागत करें, सम्मान करें। आज बड़ा अच्छा दिन भी है हनुमान जी का, एक बार जोरदार हनुमान जी का जयकारा हो जाए, हाथ उठा के बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब इसी श्रृंखला में आगे चलते हुए हम सबसे पहले धर्मस्व प्रमुख सचिव मनोज श्रीवास्तव जी को यहाँ आमंत्रित करते हैं कि वे आए और धर्म नीति रीति और विभाग की नीतियों के बारे में बताएं। सबसे पहले आज के संत समागम में संत प्रवर को प्रणाम करते हुए मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनके निर्देश के कारण ही यह विभाग धर्मस्व धार्मिक न्यास की पारंपरिक और किसी हद तक रोड होल चली भूमिका से बाहर निकलकर अध्यात्म विभाग के नए रूप में नए एजेंडे के साथ सामने आया, जहां इसके कार्यवृत्त में बहुत विस्तार हुआ। मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी का भी स्वागत करता हूं, जिनके अनुभव और आध्यात्मिक अभिरुचि ने अध्यात्म विभाग के विभिन्न प्रकल्पों को प्रोत्साहित किया है। मैं माननीय अध्यात्म मंत्री पीसी शर्मा जी का भी स्वागत करता हूं, जिनके नेतृत्व में बहुत सी नई पहल संभव हो पा रही हैं और जिनकी संतों को सहज उपलब्धता की प्रभूत प्रशंसा स्वयं संतों के द्वारा भी की गई है। कंप्यूटर बाबा जो इस संत समागम के सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हैं का विशेष अभिवादन। वे नर्मदा शिप्रा मंदाकिनी नदी न्यास के अध्यक्ष भी हैं और स्वयं भी उतने सरल और तरल हैं। मैं सुबुद्धानंद जी का भी, जो कि मठ मंदिर सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, हार्दिक स्वागत करता हूं। संत सत्ता को मैं पहले ही अपनी प्रणति निवेदित कर चुका हूं। तुलसीदास जी कह गए थे, सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम, सुर दारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोष। और कबीर भी मानते थे कि संत समागम परक्ष परम सुख, जान अल्प सुख और, मान सरोवर हंस हैं बगुला खोजे ठोर। तो संतों का उस परम सत्ता से नित्य संवाद तो चलता ही रहता है। आज संत और सत्ता के परस्पर संवाद का अभूतपूर्व अवसर है। आज इस संत समागम में हमें आप योगक्षेमकर्ताओं का स्वस्थवाची मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और आगे भी होता रहेगा। अन्य सभी उपस्थित सज्जनों मीडिया बंधुओं का भी इस अवसर पर भूरी भूरी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। अब उद्बोधन की इसी श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम मठ मंदिर सलाहकार समिति के अध्यक्ष परमादरणीय श्रद्धेय प्रातस्मरणीय सुबोधानंद जी से निवेदन करूं कि वे अपने श्रीमुख से आशीर्वाद। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतौ पुनः पुनः, माता मरकतश्यामा मातंगी मत सालनी कटाक्षतु कल्याणी कदम रोहवासिनी दिव्यागरमादाय करेण देवीं मामेन शत्रून परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणन पीताम्राट्यां द्विभुजां नमामि। हमारे प्रदेश के
यशस्वी मुख्यमंत्री भाई कमलनाथ जी, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री राजा दिग्विजय सिंह जी, भाई धर्मस्थ मंत्री पीसी शर्मा जी और हमारे भाई और इस कार्यक्रम के प्रोधा कंप्यूटर बाबा जी, हमारे सभी संतजन जो यहाँ पर अभी बहुत अच्छे अपने उद्गार व्यक्त कर रहे थे नर्मदा के संबंध में, गाय के संबंध में और भारत की दशा के संबंध में बता रहे थे कि पूर्व सरकार ने क्या किया और ये सरकार क्या कर रही है। 15 साल तक संतों को कभी नहीं बुलाया उन लोगों ने, परंतु 9 महीने में ही सारे संतों को एकत्रित करके उनकी समस्याओं को जानने के लिए इस सरकार ने बुलाया है। यह हम लोगों के लिए भविष्य की अच्छी बात है। ये बहुत सारे संत यही असली संत हैं आप जो देख रहे हैं। एक बार हम लखनऊ गए, वहाँ करीब 10,000 रंगे कपड़े सूख रहे थे। हमने कहा भाई ये कपड़े किसके लिए रंगे हैं, बोले संत सम्मेलन हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद संत सम्मेलन कर रहा है। हमका ये कपड़े, बोले सबको पहना के संत बना दिया जाएगा। वो संत ठीक नहीं, ये संत ठीक है जो भगवान का भजन करते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। उस सरकार ने तो नर्मदा जी का खनन किया, नर्मदा जी का चीरहरण किया, परंतु ये सरकार नर्मदा जी की रक्षा कर रही है और आगे आप देखेंगे रेत के ढेर आपको नर्मदा किनारे मिलेंगे। बुखार सुसज्जित होंगे, ये सरकार ये कर रही है। हमारे ये संत कोई मामूली संत नहीं है, ये तपस्वी संत हैं। अपने मठ में बैठकर, अपने मंदिरों में बैठकर ये देश के कल्याण की बात करते हैं। अभी हमारे भाई दिग्विजय सिंह जी हमसे पूछ रहे थे कि धर्म का अर्थ क्या है। हमने उनसे कहा कि जो अच्छे मार्ग पर चला है वो धर्म और गलत मार्ग पर चला है वो अधर्म। हमने इनको बताया कि ये धर्म पर चलाने वाले हमारे संत आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। इन सबको गोमाता की रक्षा के लिए, नर्मदा की रक्षा के लिए और आज जो शिक्षा पिछड़ रही है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जब शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, हमारे देश के संतों ने शिक्षा को जगह जगह जाकर आगे बढ़ाया था और देश को आगे बढ़ाया था। वही भारत माता आज भी है, पहले भी थी, आज इन संतों का सबका कर्तव्य है कि सब लग जाएं देश की सेवा के लिए, जुटें देश की अखंडता के लिए, जुटें और हमारे प्रदेश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जो हमारे प्रदेश के कार्य हैं उनमें आप आगे भाग लें। हमारे यहाँ पर्यावरण सबसे प्रदूषित हो रहा है, कहीं भी जाइए वहाँ की जलवायु ठीक नहीं है, ना वहाँ का जल ठीक है ना वहाँ की वायु ठीक है। उसके लिए पर्यावरण के लिए वृक्ष लगाने का प्रयास भी हमारे संतों को करना चाहिए। ये यहाँ से संकल्प लेकर जाएं, एक एक संत कम से कम 10,000 वृक्ष लगाए। पहली सरकार ने वृक्ष लगाए थे नर्मदा किनारे, करोड़ों रुपया खर्च किया था, परंतु भैया जब वहाँ नर्मदा जी में बार कार्यक्रम में आए तो देख रहे थे कि हम देखते आए कहीं वृक्ष ही नहीं लगे, इतना पैसा खर्चा किया पर कहीं वृक्ष ही नहीं दिख रहे। तो वृक्ष लगाए नहीं थे, कागजों में वृक्ष लगे थे। इसलिए आप लोग वास्तविकता में वृक्ष लगाइए, गंगा जी को निर्मल, गंगा को निर्मल करिए, छिपरा को निर्मल करिए, नर्मदा को निर्मल करिए और जहाँ कहीं भी खनन होता है कंप्यूटर बाबा को फोन करिए, इनकी फौज पहुँच जाएगी और खनन होने से रोकेगी। इस आप लोगों का सबका कर्तव्य है कि देश को प्रदेश को हमारे आगे बढ़ाने के लिए हम संत जन एकजुट हो जाएं और जो अधार्मिक लोग हैं, अरे इन लोगों को शर्म नहीं आती, अपराधियों को आगे बढ़ाते हैं, बम पटकने वाले को सांसद बनाते हैं, ऐसे लोग इनको अब क्या कहें हम लोग, कहा नहीं जा सकता। बड़ी स्थिति बड़ी ऐसी भयावह हो गई है कि उसका कोई वो नहीं है और दम्भ के साथ बोलते हैं हम राम मंदिर बनाएंगे। अभी राम मंदिर बना, प्रदेश में भी इनकी सरकार थी,
और देश में भी इनकी, केंद्र में भी इनकी सरकार थी, अगर बनाना होता तो कभी का बना दिए होते। ये तो देश की राजनीति वोट हासिल करने के लिए राम जी को भंजा रहे हैं। इन लोगों का ये है, इसलिए इनसे बिल्कुल सावधान रहना चाहिए आप लोगों को। और मुझे जो मठ मंदिर समिति का चेयरमैन सलाहकार समिति का माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, उसका मैं पूरा कर्तव्य, मैं अपने कर्तव्य का पूरा पालन करूंगा। कहीं भी आप लोगों की कोई भी शिकायत है हमारे पास भेजें, हम शासन तक पहुंचाएंगे, आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। अब अधिक समय नहीं है बोलने का। हमारे भाई कमलनाथ जी, बहुत दिन बाद हमसे मुलाकात हुई है, इनको हम बहुत हृदय से अपने आशीर्वाद शुभकामनाएँ दे रहे हैं। परम पूज जगत गुरु शंकराचार्य, ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के अत्यंत परम प्रिय शिष्य हमारे कमलनाथ जी हैं, और सबसे पहले चुनाव में जाने के पहले उनसे आशीर्वाद इन्होंने उनके आश्रम में आकर लिया था, और सफल होने के बाद भी पूज्य महाराज जी के बाद आए थे। हमें इनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हुए, हमारे भाई दिग्विजय सिंह जी, ये तो हमारे मित्र भी हैं, अभिन्न अपने भाई भी हैं, इनके बारे में हम क्या कहें, तो इनके भी भविष्य के लिए। और भाई शर्मा जी हैं, हमारे श्रीवास्तव जी हैं, बहुत अच्छे कर्मठ हैं। हमको बता रहे थे कि हमको तो सजा के बतौर यहाँ विभाग में भेजा, परंतु अब तो ये इतना कार्य कर रहे हैं कि सजा क्या है, तो बहुत अच्छी बात होगी यहाँ पर। बोलिए हर हर महादेव। सबको धन्यवाद, सब लोग यहाँ पर आए। कंप्यूटर बाबा ने हमसे कहा फोन पर कि आपका नाम सब जानते हैं पर आपको सब देखना चाहते हैं, तो अब हम आप लोगों के बीच में यहाँ आ गए हैं। अब कोई भी कभी कोई शिकायत हो तो आप हमको बताएं और हम शासन तक पहुँचाएंगे, आपका निराकरण कराएंगे। हर हर महादेव। और महाराज जी का नंबर ना मालूम हो या कोई दिक्कत हो तो मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा महाराज जी के पास तक ले जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र ने हमारी शक्ति बढ़ा दी कि वे 24 घंटे हम संतों के लिए उपलब्ध रहेंगे। अब इसी तारतम्य में मैं हमारे प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे ही परिवार के एक सदस्य के रूप में संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा की श्री दिग्विजय सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे आए। जय सिया राम। महाराज जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप सभी समान संतों से, ये नारा जय सिया राम होना चाहिए, क्योंकि जय श्री राम कुछ राजनीतिक लोगों ने इसे उद्बोधन बना लिया है। सीता जी को हम क्यों भूल जाते हैं महाराज। जय सिया राम। परम श्रद्धे महाराज सुबोधन जी महाराज के सादर चरणों में नमन। परम आदरणीय कंप्यूटर बाबा साहब, सभी मंच पर उपस्थित हमारे श्रद्धे साधु महात्मा प्रबुद्ध वर्ग, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय कमलनाथ जी, आदरणीय मंत्री पीसी शर्मा जी, आदरणीय अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव जी, आदरणीय देवी और सज्जनों, मैं बधाई देता हूं माननीय कमलनाथ जी को, जिन्होंने की पिछली सरकार द्वारा आनंद विभाग बनाया। आनंद के कई मायने होते हैं। उस आनंद विभाग को समाप्त कर धर्मस व आध्यात्म विभाग आपने बनाया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। यही फर्क है पूर्व सरकार की सोच में और मौजूदा सरकार की सोच में। धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। धर्म सबका है,
भगवान राम सबके हैं, ईश्वर सबका है, उनको भी अगर आप राजनीति में बांट देंगे कि ये राम इनके हैं राम इनके नहीं हैं, ये तो धर्म के साथ अन्याय है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आज अध्यात्म विभाग जो माननीय मुख्यमंत्री ने अपने सोच से गठन किया है, आखिर आध्यात्म क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसे परिभाषित करने की आवश्यकता है। व्यक्ति का स्वभाव, मन, कर्म सही रास्ते पर ले जाए, आध्यात्म वही है। और कोई धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे सनातन धर्म का हो, चाहे इस्लाम धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का हो, हर धर्म अच्छा व्यक्तित्व का धनी बनाने की सीख हमको देता है, और वही अध्यात्म मैं अपने आप को उसको परिभाषित करता हूं। गीता जी के 8वें अध्याय में भी जो श्लोक है, परमम स्वभावो द्वात्म मच्चते, आपका स्वभाव क्या है वही अध्यात्म है, और इसी अध्यात्म को अपने जीवन में कैसे उतार सकें, यही हम लोगों का पूरा प्रयास होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, हमारा वो धर्म है सनातन धर्म, जो कि विश्व में सबसे पुराना धर्म है। बाकी जितने धर्म निकले हैं वो अपने अपने विचारों से निकले हैं, लेकिन आज विश्व में अगर कोई सबसे प्राचीनतम धर्म है तो सनातन धर्म है, जिसका कि कोई अंत नहीं है। व्यक्ति अपना परिवार छोड़कर साधु बनता है, धर्म के आचरण करते हुए आध्यात्म की तरफ मुड़ता है। लेकिन आज भगवा वस्त्र पहनकर लोग चूर्ण बेच रहे हैं, भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं, क्या यही है हमारा धर्म है? हमारे सनातन धर्म को जिन लोगों ने बदनाम किया है उन्हें ईश्वर ही माफ नहीं करेगा। मैं बधाई देता हूं माननीय कमलनाथ जी को, आपने माननीय सुबोधनंद जी महाराज, जो आज पूरा जीवन उन्होंने हमारे गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की सेवा में बिता दिया, घर द्वार छोड़कर धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं, उनको आपने पूरे प्रदेश के मठ और मंदिरों के व्यवस्था के लिए आपने मनोनीत किया है। कमलनाथ जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। पूरा प्रयास इस देश में हो रहा है कि कैसे मठ और मंदिरों पर कब्जा किया जाए, कैसे मठ मंदिरों को राजनीतिक अड्डा बनाया जाए। हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी सनातन धर्म के धर्मात्माओं से मेरी प्रार्थना है, अपने आप को राजनीतिक उपयोग ना होने दें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। मां नर्मदा की कृपा से हम लोगों ने परिक्रमा की, और उस परिक्रमा में जो हालात हमने मां नर्मदा के देखे वो आपके सामने है। हम आभारी हैं आपके, आपने जो कंप्यूटर बाबा को अध्यक्ष मनोनीत किया है, और हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि मां नर्मदा की जो महिमा थी, प्राचीनतम नदी है विश्व में, मां गंगा से भी पुरानी नदी मां नर्मदा, ये हमारा सौभाग्य है कि इस प्राचीनतम नदी जहां पे की घाट घाट पर कण कण में शिव मौजूद हैं, जहां आदि शंकराचार्य जी ने तपस्या की, दीक्षा ली, वहां आज हम सब लोगों पर ये जिम्मेदारी है कि मां नर्मदा की सेवा करते हुए हम जो क्षति हुई है उसको बचाने का प्रयास करें।
मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लोगों ने अपने प्रयासों से धर्मस्थल बनाए हुए हैं। हमारे वचन पत्र में भी इसका उल्लेख है मुख्यमंत्री जी कि जितने सरकारी जमीनों पर धर्मस्थल बने हुए हैं उन सभी धर्मस्थलों का सर्वे करवाकर उस भूमि का पट्टा उन मठ और मंदिरों को दे देना चाहिए, नहीं तो अधिकारी कर्मचारी, अभी हमारे महाराज जी फरमा रहे थे कि पुजारी कौन नियुक्त हो, किसकी नियुक्ति हो। मैं तो आपसे अनुरोध करता हूं कि नियम बनाएं। सुबोधानंद जी महाराज के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई है उसी को अधिकृत कर दीजिए कि जितने भी जहां भी मठ मंदिर में, सरकारी मठ मंदिर में जो पुजारियों की नियुक्ति होना है इस कमेटी के माध्यम से ही होना चाहिए, सारा विवाद समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी हमारे स्वामी जी ने रीवा में, जहां इंदिरा जी ने संस्कृत पाठशाला चालू की हो, वहां केंद्र सरकार ने ग्रांट बंद कर दी, राज्य सरकार ने बंद कर दी। जो लोग धर्म के नाम पर सत्ता हत्याए वही संस्कृत पाठशालाओं की ग्रांट उन्होंने बंद कर दी, गौ सेवा आयोग समाप्त कर दिया। मेरी आपसे प्रार्थना है इस पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे प्राचीनतम हमारी भाषा संस्कृत की पाठशालाएं चल रही हैं, वेद पाठशालाएं चल रही हैं, उनकी देखभाल करने की जवाबदारी जिम्मेदारी हमारे सरकार की है और उसे आपको पूरा सहयोग और समर्थन करना चाहिए और अध्यात्म विभाग को इस बारे में भी सोचना चाहिए। मैं तो यहां पर भी कहूंगा कि हम सब आज शिक्षा, हमारी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में धर्म क्या है इस पर भी हमें कोई पाठ रखना चाहिए। धर्म की परिभाषा क्या है, इन सब बातों पर बच्चों में जो आजकल इनके पास हर चीज का समय है, केवल इंटरनेट पर बैठकर, और किसी के लिए समय नहीं है, इंटरनेट पर बैठकर वो दुनिया भर के जो गलत समाचार आते हैं उनको देखते हैं। उन्हें शिक्षित करने की जरूरत है कि हमारे सनातन धर्म की परंपराएं क्या है, अन्य धर्मों के बारे में क्या सोच है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने बिल्कुल सही कहा है कि धर्म की परिभाषा और धर्म का जो उद्देश्य है और धर्म क्या है, ये सभी जो प्रचलित धर्म है देश पूरे विश्व में सबका मूल तत्व एक है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल हर और हमारा उद्देश्य एक है, इस बात पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं इतना ही आपसे अनुरोध करूंगा और आखिरी में माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे माननीय अध्यात्म मंत्री जी से, पीसी शर्मा जी का एक अद्भुत तरीका है काम करने का। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, कब सोते हैं कब जागते हैं वे जानते, हम लोग पता नहीं पड़ पाते। इनका तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए मुख्यमंत्री जी, इतनी ऊर्जा इनके पास कहां से आती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं मुख्यमंत्री जी, किस तरह की संसद, ये पुराना विधानसभा भवन है, आप हर साल एक नए ऐसा संसद होना चाहिए जिसमें आप इनकी बात सुने, दिक्कत परेशानियां क्या है, सरकार इनसे चर्चा करे और इन साधु महात्मा जो कि पूरा जीवन न्यौछावर करके परिवार को छोड़कर चले आए, उस परिवार को हम सब शामिल हो और उस परिवार में शामिल होकर इनकी दिक्कत परेशानियों को दूर करते हुए
आप इनकी जिम्मेदारी लें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम, नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दिग्विजय सिंह जी का, बस उन्होंने हमारी बातों पर अपनी सहमति की मोहर लगाई। अब इसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय आध्यात्म मंत्री श्री पीसी शर्मा जी से निवेदन करूं कि वे आए। बोलो भगवान सिया राव चंद्र की, हनुमंत लला की, गौ माता की, नर्मदा माई की, भारत माता की और सभी संतों की। यहाँ पर मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी राय साहब, आदरणीय सुबोध जी, कंप्यूटर बाबा जी, हमारे सी एस श्रीवास्तव जी और मंच पर बैठे हुए सभी संत गण जो पूरे मध्य प्रदेश से आए हैं, मैं एक बार जोर से ताली बजा के सभी संतों का स्वागत कीजिए और साथ ही एक बार जोर से ताली बजा के हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का जोर से ताली बजा के स्वागत कीजिए। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, बाबा कंप्यूटर जी ने कहा कि आज एक साल हो गया है, 9 महीने हो गए हैं कमलनाथ जी की सरकार को बने हुए और आज का दिन है मंगलवार हनुमान जी का। जब चुनाव हुए थे तो मंगलवार था, जब रिजल्ट आए तो मंगलवार था, जब शपथ हुई सरकार की तो मंगलवार था। ये सब हनुमान जी की कृपा है और 101 फीट के हनुमान जी छिंदवाड़ा में स्थापित किए हैं हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने। ये उनकी आस्था धर्म के प्रति है। जय। मैं कहना चाहता हूं इस मौके पर कि जब कमलनाथ जी दिल्ली में सांसद थे तो 1985 में इन्होंने संसद में एक भाषण दिया था और ये कहा था कि आध्यात्म विभाग होना चाहिए। और जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने आते ही ये 3 विभाग अलग अलग, धार्मिक न्यास, धर्मस्थ विभाग, आनंद विभाग, सबको जोड़ के आध्यात्म विभाग बना दिया। ये आध्यात्म विभाग आज एक नए सिरे से यहाँ पर काम कर रहा है। मैं उनका आभार मानना चाहता हूं कि उन्होंने सुबोधानंद जी को मठ मंदिर समिति का प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, उन्हें बाबा कंप्यूटर जी को नर्मदा ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ताप्ती नदी का भी हमने ट्रस्ट बनाया है, उसका भी अध्यक्ष जल्दी से बना दीजिए। तो ये सब समितियां जोर शोर से काम करें और मध्य प्रदेश के अंदर साधु संतों की जो दिक्कतें हैं वो दूर हों। मैं कहना चाहता हूं इस मौके पर कि कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे वो हनुमान मंदिर जिलाधार में हो, चाहे श्री राम जानकी मंदिर ये आगर मालवा में हो, 5,64,00,000 लक्ष्मीनारायण मंदिर उज्जैन, 17,00,000 राम मंदिर जिलाधार, 30,00,000, ऐसे अनुदान मुख्यमंत्री जी के आदेश से हमने अलग अलग मंदिरों को दिए हैं। और उनके आदेश से ही मध्य प्रदेश के जितने भी शासन अधीन मंदिर हैं उनके पुजारियों का मानदेय 3 गुना बढ़ा दिया है, 3 गुना। और 15 साल तक वो सरकार कहती रही लेकिन पुजारियों का मानदेय एक पैसा नहीं बढ़ा। ये कमलनाथ जी के आदेश से हुआ है। मैं कहना चाहता हूं ये बहुत से मेले हैं, नवरात्रि मेला, मंगल मेला, प्राचीन रामदेव मेला, ये मंदसौर का है, ये भिंड का है, विदिशा का डोल ग्यारस मेला, ये सबके लिए किसी के लिए 10 लाख, किसी के लिए 15 लाख, किसी के लिए, और ये रतन
गढ़ माता मंदिर जहाँ एक बार हादसा हुआ था उसके लिए कमलनाथ जी के आदेश से 80 लाख रुपए दिए हैं वहाँ के मेले के लिए, ये साधु संतों के लिए और ये धर्म के लिए मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी सरकार काम कर रही है। इसके अलावा तीर्थ यात्री सेवा सदन दतिया के अंदर 95 लाख से, शिवपुरी में 95 लाख से, ओरछा जिला निवाड़ी भगवान रामलला राम जी का वहां पर मंदिर है और वहां पर 95 लाख रुपए से हमने भूमि पूजन किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से, पहली बार वहां पर यात्री निवास बन रहा है। इसी तरह नलखेड़ा जो देवी जी का स्थान है वहां पर भी 6-6 लाख से काम शुरू हुआ है यात्री निवास का। VIP विश्राम का चित्रकूट जिला सतना, ये सब जगह इस तरह के काम हुए हैं। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा रामेश्वरम, और जब कुंभ चल रहा था महाकुंभ तो वहां भी हमने 6-6 रेलगाड़ियां आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से भेजी और पहली बार हुआ कुंभ स्नान, पहली बार कमलनाथ जी की सरकार ने ये रेल भेज के लोगों का स्नान कराया कुंभ में। इसके अलावा द्वारका जगन्नाथपुरी और गया जी 23 तारीख को जा रही है रेलगाड़ी, उसके दो पर्पज हैं, एक तो ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो लोग तर्पण भी कर सके और जो बौद्ध समाज में आस्था रखते हैं वो बौद्ध गया में अपने बौद्ध स्थानों को जा सके वहां प्रणाम कर सके, ये दोनों तरह के लोगों के लिए ये ट्रेन जा रही है 23 तारीख को, कोई भेदभाव नहीं। और ये अलग अलग हमारे धर्म है जैन बौद्ध सिख क्रिश्चियन इस्लाम, इन सब के संग्रहालय बनाने की योजना हमारे ACH श्रीवास्तव जी ने बनाई है, वहीं के लोगों से सहायता लेकर वो संग्रहालय बनाएंगे। सर्वधर्म सम्भाव ये कमलनाथ जी की सरकार का ध्येय है और मैं कहना चाहता हूं इस मौके पर महाकाल मंदिर बहुत से 15 सालों में खराबियां आई, मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग लिया उच्च स्तरीय, वहां के संत पुजारियों को बुलाया, वहां के विधायकों को अधिकारियों को बुलाया और ये निर्णय लिया कि वो अधिनियम मार्ग जो है उसको भी बदला जाए उसको सुधारा जाए और 300 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के माध्यम से वहां पर काम होगा पूरे महाकाल मंदिर के आसपास, और कोई भी बिल्डिंग वहां पर शिखर महाकाल के शिखर से ऊंची नहीं होगी, ये भी आदेश दिए उन्होंने। और खुद शाही सवारी जब श्रावण माह चल रहा था तो खुद गए वहां पर और शाही सवारी में उन्होंने भाग लिया और सवारी में वो सम्मिलित हुए और 3 मंत्रियों की एक समिति बना दी। सज्जन सिंह वर्मा जी जो वहां के प्रभारी मंत्री हैं, आदरणीय हमारे जयवर्धन सिंह और मेरी, और इस समिति को काम सौंपा है कि ACS चीफ सेक्रेटरी इन सबसे मिलके वहां जो 300 करोड़ रुपए का काम होगा आसपास, और गर्भ ग्रह में नंदी ग्रह वो 50 करोड़ से उसको ठीक किया जाएगा, 2 रास्ते लगेंगे, 3-3, 4-4, 5-5 लाखों के दर्शनार्थी वहां पर आते हैं, इन सबकी समुचित व्यवस्था हो यह आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से हो रहा है। 1000 गौशाला ये पिछली सरकार कहती रही कि गौ माता, अरे हम तो कहते हैं जिस माँ ने हमको जन्म दिया है वो हमारी माता है, भारत माता हमारी है और तीसरी है गौ माता, लेकिन उन्होंने गौ माता के संरक्षण के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 1000 गौशालाएं मध्य प्रदेश में बनाने के आदेश दे दिए हैं। मैं होशंगाबाद जिला का प्रभारी हूँ, 5 भूमि पूजन मैंने खुद किए जाकर वहां पर और काम शुरू हो गए हैं और गौ माता की रक्षा तो होगी, उसको चारा मिलेगा, वहां पानी मिलेगा और उससे जो गोबर हो उससे खाद बनेगा और रस्ते में जो माँ खड़ी रहती है तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है तो उसके लिए मैं उनका बहुत आभार मानना चाहता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ नर्मदा परिक्रमा के लिए दिग्विजय सिंह जी ने जब की थी तो उन्होंने जगह जगह धर्मशाला की बात की, 9 धर्मशालाओं के लिए 26 लाख रुपए दे दिए हैं जिससे जब यात्री निकले वहां पर परिक्रमा के लिए तो उनके लिए वहां पर स्थान हो ठहरने का, और साथ ही उन्होंने ये आदेश है कि जो नर्मदा परिक्रमा होती है नर्मदा जी की
उसका परिक्रमा रूट ऐसा बने कि लोगों को दिक्कत नहीं हो। हजारों लाखों लोग हर साल नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, उस परिक्रमा में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आए। ये वो एक परिक्रमा पथ बने, जगह जगह चिन्हित हो, मैं समझता हूँ कंप्यूटर बाबा उस पूरे काम को अंजाम देंगे। और राम वन गमन पथ की बहुत बात सुनी थी हमने, राम वन गमन पथ चित्रकूट से अमरकंटक तक का रास्ता, उसका भी हमारे एसके साहब ने हमने मिलकर एक पूरा चार्ट बनाया है, एक पिक्चर बनाया है, उस पर भी बहुत जल्दी उस पर काम होगा। उन्होंने तो कहा था, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार राम वन गमन पथ बनाएगी और उसी पे चलेगी। ये भगवान राम के जमाने में होता था कि गुरु वशिष्ठ आशीर्वाद देते थे, महाभारत भगवान कृष्ण के जमाने में होता था गुरु द्रोण आशीर्वाद देते थे, ये चित्रगुप्त मौर्य के जमाने में हुआ कि चाणक्य से आशीर्वाद देते थे, उसके बाद ये पहली बार है भगवान राम के जमाने से राम राज की, आज कमलनाथ जी को इतने संत भोपाल में आशीर्वाद देने आए हैं। और इसका किसी ने पूछा कि क्या उद्देश्य है, केवल उद्देश्य यही है कि कमलनाथ जी उनकी सरकार को आपका आशीर्वाद मिले, और आशीर्वाद के बाद ये मध्य प्रदेश की जनता की भलाई के लिए जो काम हो सकते हैं वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में आपके आशीर्वाद से हो। ये आशीर्वाद सभा है, जैसा कि कंप्यूटर बाबा ने कहा था शुरू में, और मैं कहना चाहता हूँ कंप्यूटर बाबा, ये समझ में नहीं आता कि कंप्यूटर का दिमाग ज्यादा तेज है कि ये बाबा का दिमाग तेज है। निश्चित तौर पर ये इन्होंने जिस तरह से आज संतों को यहाँ पे इकट्ठा किया है, आज भोपाल की भूमि भी पवित्र हो गई आपके यहाँ पे पग रखने से, और निश्चित तौर पर कमलनाथ जी और उनको सरकार को जो आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम सही पथ पर चलेंगे, भगवान राम के पथ पर चलेंगे, जिससे हर समाज का हर लोगों का भला हो सके। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब इसी तारतम्य में मैं कंप्यूटर बाबा को आमंत्रित करता हूँ कि वह संतों के सारे भाव आप सबके सम्मुख रखें। आप प्रवेश अग्रवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी जो पहचान अतिथि पत्रक है वो उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी को पहनाएं, और तालियां से सभी संत भगवान आशीर्वाद दें। सभी हाथ उठा के बोलेंगे, बोलिए नर्मदा मैया की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूरा संत समाज, सभी संत समाज को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें नर्मदा पुत्र कहना चाहिए, हम आज से, क्योंकि नर्मदा की परिक्रमा करने वाला और नर्मदा के प्रति आस्था रखने वाला माननीय दिग्विजय सिंह जी, संत समाज की ओर से तालियों से आप उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे धर्मश, हमारे आध्यात्मिक मंत्री बड़े सरल और सीधे पीसी शर्मा जी, और प्रमुख सचिव हमारे जो पूरा संतों के प्रति आस्था रखने वाले हमारे मनोज श्रीवास्तव जी, आप सबको संत समाज की ओर से ढेर सारा आशीर्वाद। समय अधिक हो गया है, मैं 5 मिनट में अपनी बात रखूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो काम किया उसके लिए पूरा संत समाज, मध्य प्रदेश के लिए जो काम आपने आप आते से किया है उसके लिए धन्यवाद देना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आध्यात्मिक विभाग का गठन किया, नर्मदा छिप्रा मंदाकिनी के लिए एक न्यास का गठन किया, ताप्ती नदी के लिए न्यास का गठन किया, पुजारी कल्याण कोष गठित किया, पुजारियों के मानदेय तिगुना किया, महाकाल के विकास के लिए 300 करोड़ की योजना बनाई, महाकाल अधिनियम का प्रस्ताव, मंदिरों के जीर्णोद्धार करवाने का एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया, नर्मदा के किनारे धर्मशालाओं के निर्माण क्रम में 9 धर्मशालाएं, पुजारियों की नियुक्ति करने का अधिकार अन्य विभागीय अधिकारियों को
वापस कर गांव की स्थानीय राजनीति से मुक्त किया। 1000 गौशालाएं कंपनियों से भी गौशाला खुलवाने का काम, एक बार बड़ी जोरदार तालियां बजाइए, गौशाला के 1000। और इसी के तारतम्य में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बार बार कंप्यूटर की बात कर रहे थे। मैं पीसी शर्मा जी से कहूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हुआ करते थे लगभग 2001 और 2 में, उस समय मेरा नाम दिग्विजय सिंह ने, मैं मीडिया बंधुओं से भी कहूंगा, बार बार मुझे पूछते हैं कि कंप्यूटर बाबा का नाम कंप्यूटर बाबा क्यों। मैं आज भरी सभा में संतों के सामने, माननीय मुख्यमंत्री के सामने बताना चाहता हूं कि उस समय माननीय राजीव गांधी जी, वो कंप्यूटर आया था उस समय, उनकी ही देन थी लाने की। और उसी समय मेरे कार्य की गति देख करके नरसिंहपुर जिले में बहुत बड़ा यज्ञ किया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, उस समय मेरा नाम इन्होंने कंप्यूटर बाबा रखा। एक बार तालियां बजा के संतों की ओर से आप धन्यवाद दें। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि रामगमन पथ यात्रा में भी पूरा संत समाज, जिस दिन भी आप आदेश करेंगे, ये संत समाज पैदल रामगमन पथ यात्रा करेंगे, सभी संत समाज। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, पुरातत्व महत्व के हमारे विरासती मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम शासन वित्तीय व्यवस्था कर पूर्ण करना चाहिए, यह हम लोग चाह रहे हैं। अब जो हमारी संतों की मांग है, मैं आपके माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी पांच में बहुत कम समय में बोलना चाहता हूं, पूरे संतों ने कल बैठक की, सबका हम लोगों ने निर्णय लिया और संतों के समक्ष से पांच, हमारी संतों की पांच मांग है जो संत भी सुनेंगे, मीडिया बंधुओं भी सुनेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सुनेंगे। पहला है, संतों की कुटिया आश्रम मंदिर एवं गौशालाओं का जो 5 वर्ष से पुराने हैं उन्हें स्थायी पट्टा दिया जाए। तालियां बजाइए। दूसरा है, वृद्धावस्था पेंशन एवं स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान कार्ड संतों को भी दिया जाए। तीसरा है, धर्म स्थलों एवं संतों द्वारा चलाई जा रही गौशालाओं को भी अनुदान एवं सहयोग प्रदान किया जाए। और चौथा है, गौशाला मंदिर संत कुटियों को निर्धारित यूनिट तक विद्युत मुफ्त दिया जाए। और अंत में हमारा संतों का आपसे कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार द्वारा धार्मिक कार्यों के नीति निर्धारण में मध्य प्रदेश के संतों की सहभागिता अनिवार्य होना चाहिए। बड़ा हम लोग 15 वर्ष हो गए तड़प गए कि हमारे कहीं इसकी पंचायत, कहीं उसकी पंचायत, पता नहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने पता नहीं कितनी घोषणाएं कर दी, कितने क्या क्या नहीं किया, हम संत परेशान हो गए, पूरा संत समाज एक होके। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहता हूं कि ये आधे बैठे हैं, बताइए मैं गलत बोलता हूं, आधे कहां बैठे हैं, जहां हमारे कार्यक्रम में सब बैठे हैं, इतने संत आपके नाम से इकट्ठे हुए हैं, सबको मालूम है, सबको विश्वास हुआ, कमलनाथ सरकार पे विश्वास है, एक बार ऊपर हाथ तालियां बजा करके विश्वास समर्थन कर दें। हां, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को जरूर लगा होगा कि पूरा संत समाज जिनके हम गुणगान करते थे वो कैसे कांग्रेस के तरफ चले गए। चाल और चरित्र, आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कमलनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कहते हैं वो करते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री जो कहते थे वो करते नहीं थे, खाली घोषणाएं करते थे। इसलिए पूरा संत समाज बेहद खुश है माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये संत समाज को कुछ चाहिए नहीं, ये परमार्थ का काम है, हम सब परमार्थ करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जितने संत है सब ने कहा कंप्यूटर बाबा ऐसा, कंप्यूटर बाबा तो इन सब के चरण सेवक है, ये पीछे से धक्का देते हैं, तो मैं आगे चल के अपनी बात तो रख देता हूं, ये संतों की बात तो रख देता हूं। हमारे साधु संत समाज ने मुझे, मेरी हिम्मत मुझे लाए कि महाराज आप आगे बढ़ो, हम सब पीछे हैं, इसलिए हम आपके सामने अपनी बात को रखी। मैं पुनः
ये पांच मांगों को रख करके पूरे संत समाज की तरफ से आपको कहना चाहूंगा, और भविष्य में जब भी हमारे धर्मस्य मंत्री हमारे पीसी शर्मा जी जब भी आदेश करेंगे, पूरा संत समाज एकत्रित होके और आपके साथ में उपस्थित रहेगा, सरकार के साथ कमलनाथ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलेगा। धन्यवाद। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी, आपके द्वारा हम चाहते हैं कि आइए हम संत और आपसे अपनी बात को साझा करें, आप सब सुनना चाहते हैं, आप आइए आप यहां उपस्थित हो, तालियों से आप गड़गड़ाहट करें, तालियों से। परम परम आदरणीय मेरे बहुत पुराने गुरु जिनका हमेशा मुझे आशीर्वाद मिला है, परम आदरणीय सबोधरन जी, परम आदरणीय कंप्यूटर बाबा जी, परम आदरणीय महामंडेश्वर नृसिंह दास जी, परम आदरणीय बाली बाबा जी, परम आदरणीय स्वामी नवीन चंद सरस्वती जी, परम आदरणीय महंत रामगिरी जी, परम आदरणीय मेरे बहुत बहुत मैं कहना चाहता था मेरे भाई गरीबदास जी, जरा खड़े हो जाइए गरीबदास जी, इनका 40 साल से इनका मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है। सभी यहां उपस्थित साधु समान साधु संत समाजगण, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी पीसी शर्मा जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज श्रीवास्तव जी, मेरा सौभाग्य है कि आज इस सम्मेलन में मुझे आने का अवसर हुआ। मैं सब साधु संतों को प्रणाम करता हूं। जब मैं यहां घुसा तो मैंने सोचा बड़ी खुशी का दिन है, हर्ष का दिन है, पर किनके पेट में आज दर्द हो रहा होगा, समझ गए ना, जिन्होंने प्रचार किया था कि हमने ठेका लिया हुआ है धर्म का, साधु संतों का हमने ठेका लिया हुआ है, अगर हम मंदिर जाते हैं हम ऐसा सम्मेलन करते हैं उनके पेट में दर्द हो जाता है, ये आप समझ गए ना मैं क्या बात कर रहा हूं, उनके पेट में कितना दर्द हो रहा होगा कि 15 साल और हमारे 8-9 महीने 2-2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में चले गए, हमारे लगभग 8 महीने भी नहीं 6-7 महीनों में हमने जो अपनी नियत का परिचय दिया, नियत और नीति का परिचय दिया, ये आप सबके सामने है। अभी पीसी शर्मा जी कह रहे थे ये हुआ वो हुआ, उन्होंने तो कहा मैं इसका प्रचार प्रसार नहीं करता हूं, कभी आपने मेरा स्टेटमेंट नहीं सुना होगा हमने ये कर दिया फलाना कर दिया, क्योंकि हम सब जनता के सेवक है, ये हमारा कर्तव्य बनता है, आपके प्रति जो हुआ हमारा कर्तव्य बनता है, हमने कभी किसी का किसी धर्म का किसी साधु संत का ठेका नहीं लिया, ये आज उनके पेट पे दर्द होता है। मुझे याद है मैं छिंदवाड़ा में हनुमान मंदिर बना रहा था, इन लोगों ने आलोचना करी मेरी कि ये मंदिर बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं, इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, मैं तो अपनी भावना से मंदिर बना रहा था, कोई शासकीय जमीन नहीं थी शासकीय पैसा नहीं था, तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है, इनके पेट में तो धर्म इनके पेट में तो दर्द होने लग जाता है अगर हम मंदिर जाएं,
हम धार्मिक बात करें, हम आपके साथ बैठें, दर्द होने लग जाता है। कंप्यूटर बाबा जी को जब मैं पहली दफे मिला, बहुत नाम सुना हुआ था इनका, मैंने सोचा ये कंप्यूटर बाबा से पता लगेगा बातचीत करके, चर्चा करके, कि इनके विचार और मेरे विचारों में क्या अंतर है। हमने लंबी बात करी और मुझे फौरन एहसास हुआ कि इनके नजरिए हमारे नजरिए, ये तो चुनाव के पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, चुनाव के पहले की बात है। मैंने कहा कोई अंतर नहीं है, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया देश के प्रति, धर्म के प्रति, साधु समाज के प्रति, हमारा बिल्कुल उनसे मिलता जुलता है। कोई लंबी बात आपसे नहीं करना, क्योंकि मैं तो आपसे आपका केवल आशीर्वाद लेने आया हूं, पर एक बात कहना बहुत जरूरी है। हमारे हजारों साल की संस्कृति, भारत का हजारों साल की पहचान पूरे विश्व में, हमारे धर्म की पहचान पूरे विश्व में, हमारे भारत की पहचान कोई आर्थिक शक्ति से नहीं है, हमारे भारत की पहचान कोई मिलिट्री शक्ति से नहीं है, हमारे भारत की पहचान उसकी आध्यात्मिक शक्ति से है। और जब पूरा विश्व देखता है, पूरा विश्व भारत की ओर देखता है, ताज्जुब से देखता है, हैरान हो जाते हैं कि एक ऐसा देश जिसकी इतनी आध्यात्मिक शक्ति, जो आध्यात्मिक शक्ति अपनी पूरे देश की अनेकता को एक रखता है, कोई ऐसा देश नहीं है विश्व में जिसमें इतनी अनेकता हुए, इतनी विभिन्नता हुए, हमारी विभिन्न भाषाएं, हमारी विभिन्न जातियां, हमारे विभिन्न धर्म, हमारे विभिन्न त्योहार। दक्षिण जाए तो ये धोती लुंगी बन जाती है, त्योहार भी अलग है, पर कैसे एक भारत का देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। पूरा विश्व को ताज्जुब होता है कि कोई कोई भाषा बोलता है, कोई कोई खाना खाता है, कोई धोती पहनता है, कोई लुंगी पहनता है, माताओं और बहनों के साड़ी पहनने का तरीका बदल जाता है। ये कैसा देश है? ये वैसा देश है जिसकी आध्यात्मिक शक्ति है, और यही आध्यात्मिक शक्ति हमारे भारत में, पूरे विश्व में इसकी पहचान है। हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए ये बात। और आज आप सब के बीच में आपको एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारी आध्यात्मिक शक्ति हजारों साल आई, पर आज के युग में क्या हमारी नई पीढ़ी इसे पहचान रही है? आप शिक्षा की बात कर रहे थे, आज हमारे शहर के बच्चे, ये नई पीढ़ी क्या इस आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ रही है? मैं तो आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि ये आप अपना कर्तव्य माने कि कैसे इस नई पीढ़ी को हम उस पटरी से नहीं उतरने दें। ये नई पीढ़ी जो इंटरनेट से जुड़ी हुई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी जो हजार टीवी चैनल देखती है, कभी ये नजरअंदाज कर रही है? ये नजरअंदाज कर रही है खास करके जो शहर के हमारे नौजवान हैं, नई पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, खास करके शहर के। ये तो हमें उन्हें जोड़ के रखना चाहिए पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये नई पीढ़ी इससे अलग ना हो पाए। ये नई पीढ़ी की आज अपनी सोच है, वो सोचते हैं चलिए वो तो हमारे बाप दादाओं का काम था। ये शहरी पीढ़ी जो है, इसको हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति, हमारी आध्यात्मिक संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक सभ्यता से जुड़े रहे। ये आप सबका, हमारे पूरे साधु संत समाज का ये कर्तव्य बनता है। अभी कहा गया कि मैंने अध्यात्म विभाग बनाया, मैंने तो 35 साल पहले लोकसभा में
आप में से जो इंटरनेट चलाना जानते हैं या अपने कोई साथी को कहिएगा कि लोकसभा का रिकॉर्ड देखेंगे। मैंने तो उस समय लोकसभा में खड़े होके 35 साल पहले कहा था, मुझे अब तारीख नहीं याद, पर 35 साल पहले मैंने लोकसभा में खड़े होके कहा था कि हमने ये इतने मंत्रालय बना लिए, पर जो सबसे प्रमुख मंत्रालय है हमें एक अध्यात्म मंत्रालय बनाना चाहिए। ये 35 साल पहले मैंने लोकसभा में खड़े होकर कहा था। तो ये अध्यात्म विभाग हमने बनाया, ये अपनी भावनाओं से बनाया। तो 35 साल पहले मेरी भावना थी, और अभी नर्मदा की बात हो रही थी। आज मुझे दुख होता है कि नर्मदा के नाम पर घोटाला, 600 करोड़ रुपए लगा दिए, 600 करोड़ रुपए वृक्षारोपण में, हमारे सेंस में, ये सब धर्म के नाम पर जो घोटाले हुए इसकी जांच तो जरूर होगी। पर हमें भी सोचना है कि नियत क्या है, भावना क्या है, और ये नियत और भावना से ही हमारा पूरा चरित्र बनता है। मैं ज्यादा ना कहते हुए यही कहना चाहता हूं कि आज ये सम्मेलन किया, हमारे सब साधु संतों ने, कंप्यूटर बाबा जी ने, उनके साथियों ने मिलकर सम्मेलन किया। समय समय पर ये सम्मेलन होता जाए। कंप्यूटर बाबा जी, ये इतनी बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये इतनी बड़ी करने की जरूरत नहीं है। आपने पट्टे की बात करी है, मांगे रखी, हम तो उद्योगपतियों को पट्टा देते हैं, व्यापारियों को पट्टा देते हैं, जो साधु संत को नहीं दे सकते। तो इस प्रकार की 15 साल एक सरकार रही, मैंने सोचा था आपकी सब मांगे पूरी हो गई होंगी, पर अब जो आपने मांगे रखी हैं, हमारा लक्ष्य है कि हम अपने अध्यात्म क्षेत्र को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, और यही हमारा लक्ष्य है। ये कोई सजावट या बनावटी बात नहीं है, ये हमारी भावनाओं की बात है, ये हमारे दिल की बात है। हम सोचते हैं, केवल दिमाग से नहीं सोचते, दिल से भी सोचते हैं, और जो बात हमारे दिल और भावनाओं से जुड़ी है, इसकी आपको मैं कहता हूं आगे मांगने की भी जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका, पूरे साधु समाज का, साधु संत समाज का मुझे आशीर्वाद मिलता रहेगा। यही आशीर्वाद